आज एपीजी कलाम सेवा समिति की तरफ से डीसी ऑफिस के अंदर मनवी पत्र दिया गया है, क्योंकि बीजापुर के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियां और बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से ये मनवी पत्र देना पड़ रहा है। क्योंकि जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे हेल्थ व्यवस्था अच्छी है, लेकिन बहरहाल जितनी सहूलत होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है लोगों को। मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर जाना पड़ता है, जो मोहल्ला क्लिनिक बनने हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। मतलब समझ लो कि 5-6 वार्ड के बीच में एक मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ पे लोगों को तकलीफें उठानी पड़ती है। और सेकेंडरी एजुकेशन सेक्टर के अंदर जहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स जो कंपेयर करें बोले तो वो सबसे ज़्यादा निकल रहे हैं आगे, लेकिन सरकारी स्कूलें बहुत पीछे रह गई हैं। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऊपर आए, क्योंकि वहाँ पे मिडिल क्लास के और जो गरीब तबके के बच्चे हैं वहाँ पे सरकारी स्कूलों में पढ़ने की वजह से वो आगे नहीं निकल पा रहे, अपने एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। इस वजह से पेरेंट्स भी परेशान हैं, माँ बाप भी परेशान हैं। तो आज सरकार को जो अपना काम जो है कर्नाटक स्टेट में, अगर अच्छा काम और अच्छी चीज़ दिखाना है तो आप एजुकेशन पे, हेल्थ पे और जो जितने भी सरकारी ऑफिस हैं उन पे पहला फोकस कीजिए। क्योंकि लोगों को जितनी तकलीफें इन चीज़ों से हो रही है तो वो तकलीफ़ों को कम होने की वजह से आगे आने वाला कल और फ्यूचर और बच्चों को नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ें नुकसान ना होने के कारण हम लोग चाहते हैं कि एपीजी कलाम सेवा समिति की तरफ से जो लोगों को जितनी भी सहूलत सरकारी मिलनी चाहिए, जो टैक्स पे है, टैक्स नहीं पे है, वो सब लोगों को जो सरकार सहूलत दे रही है, आज वही सहूलत गरीब और यतीम और सरकारी स्कूलों को मिलनी चाहिए और सरकारी हॉस्पिटलों को मिलनी चाहिए। और जो ऑफिसों के अंदर हर घड़ी जो लोगों को धक्के खाने पड़ रहा है एक काम के लिए, चलो भाई जो लेबर क्लास का आदमी है एक दिन जाता है, आज से ऑफिसर नहीं होने की वजह से कल आओ, परसों आओ, आओ वो पेपर लाओ, तो इन सब चीज़ों की तरफ अगर ध्यान पे अगर रखा जाए तो अभी मैं परसों ही अपना कुछ एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि कुछ ऑफिस के सामने मैं गया था, वहाँ पे बहुत से लोग भीड़ जमा थी, क्योंकि वहाँ पे सर्वर ही नहीं था कि लोग सुबह से 2-2, 3-3 घंटे सर्वर की वजह से रुके हैं। तो ये चीज़ों पे सरकार जो लोगों को परेशानी उठा रही है, तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए अगर सरकार इस पर फोकस करके अगर अच्छे से काम करे तो हम लोग चाहते हैं कि एपीजी कलाम का एक जो सेवा समिति जो काम कर रही है इसके ऊपर, तो हम चाहते हैं अगर सरकार इस पर काम करे तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें हम सफल हो गए और सरकार भी हमारी बात सुन ली। जो नहीं, सभी डिपार्टमेंट में चला, राशन कार्ड के डिपार्टमेंट में वही हालत है। आप महानगर पालिका चले जाओ, वहाँ पर सर्वर की वजह से कुछ परेशानियाँ लोगों को उठानी पड़ती है, और इनकम कास्ट बनाने के लिए जाओ आप, वहाँ पर भी सर्वर की वजह से परेशानियाँ उठानी पड़ती है। और अपना तहसीलदार ऑफिस जाओ, वहाँ पे भी सर्वर की वजह से परेशानी, मतलब हर जगह यही हालत है। आधार कार्ड बनाने जाओ आप, सर्वर का प्रॉब्लम ऐसा बड़ा इशू है कि हमारे कर्नाटक स्टेट के अंदर के हर 3-2 घंटे के अंदर सर्वर 4-4 घंटे 2-2 घंटे गायब हो जाता है। तो ये सर्वर का जो प्रॉब्लम है ये पहला इशू से पहला सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि एक गरीब आदमी जब अपना कोई ऑफिशियल काम करना के लिए आता है तो आधे घंटे का काम टाइम रहता है उसका, आधे घंटे के अंदर वो अपना काम निपटा के अपने काम पे जाने वाला रहता है, लेकिन उसका एक आधा घंटा उसका है ना 4 घंटे के अंदर तब्दील हो जाता है और उसका सारा दिन की मजदूरी चली जाती है। ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾಳ ಇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಆಫೀಸ್, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು. ಒಂದು ಪೋಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಖರೀದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಸಾರ ಪತ್ರ ಇರ್ತಾವೆ, ಇಸಾರ ಪತ್ರ ರದ್ದು ಮಾಡೋದು, ಇಸಾರ ಪತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕುತ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲ, ಆಮ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಕ್ಕಿ ಯಾರು ಏನು ವಾಪಸ್ ಏನು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ತಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಬರೀ ಇದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಏನು ಸಂಬಂಧ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟೇವಿ, ಆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें.